बच्चों इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सेवन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन कर रहे हैं हमारे सामने है है क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? बहुत ही आसान है हाउ मैनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट टेन लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट के पहले टेन लेटर्स को यूज करके फोर लेटर कोड कितने बनाए जा सकते हैं इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड सोल्यूशन देखिए हमारे पास तो पहले टेन लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जी ये टेन अल्फाबेट्स को यूज करके हमने फोर लेटर का कोड प्रिपेयर करना कितने कोड हम प्रिपेयर कर सकते हैं देर आर फोर पोजिशंस तो हम कैसे लिख सकते हैं मान लीजिए हमारे पास ये फर्स्ट है ये हमारे पास सेकंड है ये थर्ड है और ये फोर्थ पोजिशन है तो फर्स्ट पोजिशन कैन बी फील्ड कैन बी फील्ड इन कितने वे से भरी जा सकती है ये हमारे पास रिपीटेड नहीं हो सकता लेकिन स्टार्टिंग में तो हम टेन के टेन यूज कर सकते हैं देर आर टोटल टेन वेज अब एक कंप्लीट हो गया एक स्थान फिल हो चुका है हमारा एक लेटर भी हमारा गया तो बाकी कितने बचे नाइन सेकेंड पोजिशन कैन बी फिल्ड इन अब क्या होगा नाइन बचेंगे दिस इज नाइन वेज थर्ड पोजिशन कैन बी फील्ड इन आठ बज गए दो गए एट वेज एंड फोर्थ पोजिशन कैन बी फील्ड इन सेवन वेज अगर रिपीटिशन होती तो टेन इंटू टेन इंटू टेन सिंपल सा वो हो जाता बट अब टोटल नंबर ऑफ कोड्स टोटल नंबर ऑफ कोड्स क्या बनेंगे टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए ये हो जाएगा सेवेंटी टू इंटू सेवन और टेन से मल्टीप्लाई करेंगे देयर आर टोटल फाइव जीरो फोर जीरो फाइव थाउजेंड फोर्टी बन सकते हैं इसे ठीक है चलिए बहुत ही आसान सा था अब क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मैनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स जीरो टू नाइन हमें फाइव डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है जीरो टू नाइन मीन्स देर आर टेन डिजिट्स इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद सिक्सटी सेवन एंड नो डिजिट अपियर्स मोर देन वंस मीन्स रिपीटड नहीं हो सकता सोल्यूशन so, में देखिए हमारे पास अगर मैं टोटल डिजिट की बात करूँ टोटल डिजिट्स जो हमारे हैं वो टेन है जीरो टू नाइन में टेन है अब ये देखिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव प्लेस हमने फिल करना है लेकिन ये कह रहे स्टार्ट विथ सिक्सटी सेवन ये कंडीशन तो पहले ही ले ली इन्होंने मतलब पहले दो पोजीशन हमारे पास पहले ऑक्यूपाई हो चुकी हैं तो हमने कितनी भरनी है सिर्फ लास्ट की थ्री तो हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर मान लें तो हमारे पास क्या होगा फर्स्ट मैंने इसको फर्स्ट मान लिया इसको सेकेंड और इसको थर्ड तो फर्स्ट पोजिशन कैन बी फील्ड इन कितने तरीके से भाई टेन में से दो तो फिक्स हो गए सिक्स और सेवन बाकी तो हमारे पास कितने नंबर बचे एट बचे सो इट इज एट वेज सेकेंड पोजिशन कैन बी फील्ड इन बाकी कितने बचेंगे सेवन सेवन वेज एंड जो थर्ड होगी थर्ड पोजिशन कैन बी फील्ड इन सिक्स वेज तो टोटल नंबर ऑफ इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना हमने टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन्स या टोटल टेलीफोन नंबर्स लिख देते हैं इसको टोटल टेलीफोन नंबर्स कितने बन जाएंगे मल्टीप्लाई कीजिए एट इंटू सेवन इंटू सिक्स दिस इज थ्री थ्री सिक्स फाइव डिजिट वाले स्टार्टिंग विद्सटी सेवन देर आर टोटल थ्री थ्री सिक्स चलिए अब क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव क्या कहता है अ क्वाइन इज टोस थ्री टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एक आ, हमारे पास थ्री क्वाइंस है सॉरी uh, क्वाइन को थ्री टाइम्स हमने या तो एक क्वाइन को थ्री टाइम्स फेंको या थ्री क्वाइंस को एक साथ फेंको सेम केसेज आते हैं एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर देखिए आप ये जो है टेंथ में कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी में जब हम एक पॉइंट्स को थ्री टाइम्स फेंकते थे तो क्या होता था हेड 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 थ्री हेड्स का एक केस बनता था थ्री हेड और या फिर टू हेड आए और वन टेल हो हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड ये होता था उसके बाद वन हेड हो और टू टेल्स हो तो हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड ऐसे हो सकता था या फिर हेड हो और थ्री क्या हो टेल्स हो तो टेल 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 देर आर टोटल एट केसेस यहाँ परमोटेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए थ्री टाइम्स है तो यहाँ हमारे पास देर आर थ्री प्लेसेस ठीक है थ्री प्लेसेस यहां इस सिक्के को फेंकते तो हमारे पास क्या आ सकता है हेड एंड टेल यहां पे भी क्या आ सकता है हेड एंड टेल यहां पे भी क्या आ सकता है हेड एंड टेल्स तो दे आर टोटल टू वे फर्स्ट क्वाइन कैन टेक प्लेस वैल्यूज कितनी वैल्यूज ले सकता है ये टू हेड और टेल सेम सेकेंड क्वाइन अ इज टोस थ्री टाइम्स हमने फिर थ्री उससे ले लिया थ्री क्वाइंस ने तो हम यहां पे फर्स्ट टाइम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम क्वाइन कैन टेक प्लेस वैल्यूज तो दो हो जाएंगी सेकेंड टाइम पे सेकेंड टाइम कॉइन कैन टेक प्लेस वैल्यूज़ ये भी कितनी बनेंगी हमारे पास टू बनेंगी एंड थर्ड टाइम थर्ड टाइम क्वाइंस कैन टेक प्लेस वैल्यूज़ दिस इज अगेन टू तो टोटल नंबर ऑफ केसेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए टू इंटू टू इंटू टू एट यही तो था हमारे पास बहुत ही आसान सा है यस yes. सभी क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान है चलिए अब क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर फ्लैग बनाना है हमने अगर हम बात करें मान लीजिए इसमें जो सिग्नल बनेगा उसमें टू कलर्स होंगे एक कलर यहाँ पे और दूसरा कलर यहाँ पे ठीक है हमारे को टोटल फ्लैग्स कितने दिए गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स सॉल्यूशन देखिए टोटल फ्लैग्स टोटल हमारे जो फ्लैग्स हैं हैंज आर फाइव और सिग्नल बनता है टू से ठीक है टू कलर से हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स सो फर्स्ट पोजिशन अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन कितने तरीके से भरी जा सकती है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन टोटल फाइव है तो फाइव ए से भरी जा सकती है बट वन बिलो द अदर और सभी जो है वो डिफरेंट कलर्स के एक बार यूज हो गया दोबारा तो होगा नहीं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो सेकेंड जो पोजिशन है सेकेंड पोजिशन कैन बी फिल्ड इन एक चला गया बाकी बचे हमारे पास फोर वे सो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हमने सिग्नल बनाने थे सिग्नल्स कितने हो जाएंगे फाइव इंटू फोर दैट इज ट्वेंटी तो सभी के सभी क्वेश्चन देखा आपने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन जो थे सारी की सारी बहुत ही आसान थी चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय